समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस सुनन्तु सकमोक्षदं धम्मसवनकालो अयं भगवन्तः धम्मसवनकालो अयं भगवन्तः धम्मसवनकालो अयं भगवन्तः नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स सप्पापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं येतं बुद्धानशासनम् सर्वजन्मना साधो साधो साधो। महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात तम को त्रिबार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष भीम फेस्टिवल कार्यक्रम के तम देशना समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ भिक्खु मंगल बोधि प्रमुख, यहाँ उपस्थित विशिष्ट मान्यगण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज भीम फेस्टिवल परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहे हैं। बाबा साहब जिनकी वजह से आज हर किसी को मानव जैसा समानता मिला है, मानव होके मानव को मानव जैसा व्यवहार करने का मौका मिला है। बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, यहाँ वहाँ देखता हूँ और हमेशा मेरी नज़र छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जाते हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा खूबसूरत है। अगर बाबा साहब न होते तो ये जेनरेशन भी, ये बच्चे लोग भी कैसे हालत में रहता, क्या होता। बाबा साहब की वजह से आज के जेनरेशन अच्छे से अच्छे दिखते हैं, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करते हैं, एकदम स्मार्ट है बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब की वजह से हमें बौद्ध धर्म मिला है, अपने आप को बौद्ध कहने का अधिकार मिला है। बाबा साहब न होते तो मैं कहाँ जन्म हुआ, कौन से शहर से आए और आप लोग कहाँ, ये एक जगह मिलने का जो मौका मिला बाबा साहब की वजह से। अगर बाबा साहब न होते तो आज हम यहाँ भीम फेस्टिवल नहीं करते, ऐसे धम्म देशना का आयोजन न करते। यकीन मानिए इस समय दुनिया के करोड़ों अरबों लोग
न जाने क्या क्या काम करके बैठे होंगे, क्या क्या शरीर से अकुशल करते होंगे, वाणी से बुरा बोलते रहेंगे या मन से क्या क्या सोचते रहते होंगे, मगर हम यहाँ इतने अच्छे माहौल में तम देशना सुन रहे, इतना अच्छा पुण्य कर रहे हैं, ये भी बाबा साहब की पुण्य ही है। बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद, जानने के बाद जो सबसे अच्छा धम्म लगा, जहाँ मानव मानव को, इंसान इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करते, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक धम्म है, ऐसे धम्म न केवल बाबा साहब ने दीक्षा लिया, अपने हजारों लाखों करोड़ों समाज को भी ये धम्म की दीक्षा दिया। तथागत बुद्ध के उपदेश धम्म शिक्षा का दीक्षा दिया। आज विशेष रूप से बाबा साहब ने जिस धम्म की दीक्षा लिया, जो बुद्ध वाणी है, उसी में केंद्रित होके आप लोगों को धम्म देशना देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब इस दुनिया में मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, महामंगल सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं, ये समय समय पर ये जो तम्म देशना सुनते हैं, ये तम्म वाणी सुनते हैं, ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं, समय समय पर जो धम्म की चर्चा करते हैं, ये मंगल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के सुत पिटक के अंगुतर निकाय ग्रंथ के एक सूत्र में कहते हैं कि धम्म देशना सुनने से वास्तविक रूप में हमें क्या फायदा मिलता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं परियोदपेति कंखं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमस्स पसीदति। तथागत बुद्ध धम्म देशना सुनने के पांच फायदाएं कहते हैं, असुतं सुनाते कभी न सुना हुआ अच्छे से अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा, सुतं परियोदपेति बार बार धम्म देशना सुनने से हमें पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा कि ये धम्म है ये पाप है, विषय संपला। कंखं वितरति बार बार धम्म देशना सुनने से मन के शंका उपशंका वो निवारण हो जाता है, ये धम्म है या वो धम्म है, ऐसा करना धम्म है वैसा करना धम्म है, ये भी निवारण हो जाता है। दिथिं उजुं करोति मन के जो मिथ्या दृष्टि है, मतलब अच्छे धम्म करके भी कभी कभी हमें लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, और जो पाप करता है अकुशल करता है उसको लगता है मैं धम्म ही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा फायदा हो रहा है, मेरे परिवार का फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ये धम्म ही है। अच्छे को बुरे, बुरे को अच्छे समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना, ये जो मिथ्या दृष्टि है बार बार धम्म देशना सुनने से ये भी खत्म हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, चित्तमस्स पसीदति बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छे धम्म में श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, विश्वास उत्पन्न हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। ये धम्म देशना का फायदा है, इसलिए धम्म देशना सुनना मंगल है, कल्याण है। अभी धम्म देशना सुनना है ना, सुनना है ना। एक बार क्या होता है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आता है और आके कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, ठीक है पर अभी नहीं, बाद में आओ, ठीक है
वो वापस आता है और फिर वापस आता है और कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। उपासक कहते तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अभी नहीं, कुछ दिन बाद आओ। उपासक कुछ दिन बाद फिर आता है और फिर प्रार्थना करता है, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध उपासक को देखते हैं और कहते हैं, हे उपासक अभी नहीं, कुछ दिन बाद आओ। फिर कुछ दिन बाद आया और फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अभी नहीं, बाद में आओ। तथागत बुद्ध के पास कोई आए धम्म देशना सुनने को और तथागत बुद्ध धम्म देशना ना देके बाद में आओ कहे, ऐसा भी हो सकता है क्या? वो उपासक कहते, भगवान मैं कितनी बार आ रहा हूं, कितने बार आके जा चुका हूं, आप धम्म देशना नहीं दे रहे, कृपया मुझे धम्म देशना दीजिए। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा करो कि 2 गिलास पानी लेके आओ। उपासक तुरंत लेके आते हैं, फिर 2 गिलास पानी सामने रखने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक अब ऐसा करो, ये जो 1 गिलास का पानी है दूसरे गिलास में डाल दो। तो उपासक वो कहते, भगवान ये कैसे संभव है, दूसरा गिलास भी तो भरा हुआ ही है ना, उसमें पानी डालेंगे तो वो सब बिखर जाएगा, सब जमीन पे गिर जाएगा। तथागत बुद्ध फिर उसे समझाते हुए कहते हैं, हे उपासक इतने से साधारण बात तुम्हें कैसे समझ में नहीं आए, तुम जब भी यहाँ धम्म देशना सुनने के लिए आए हर बार तुम में बेचैनी है, चंचलता है और मन में अनेक अनेक बातें भरा हुआ है, ऐसे समय में मैं तुम्हें क्या धम्म देशना दूं, और मैं धम्म देशना दूंगा तो तुम क्या सुन पाओगे, और सुन नहीं पाएंगे तो क्या समझ पाएंगे। इसलिए धम्म देशना सुनना है तो सबसे पहले धम्म देशना सुनने के लिए तैयार हो जाइए, मन को खाली कीजिए। हाँ मुझे मला ये माहिती है, ते माहिती है, ते जाओ द्या, वो एक कोने में जाने दो, धम्म देशना सुनना है, बुद्ध वाणी सुनना है, तैयार होना है। और बेचैनी चंचलता भी जाने दो, अरे मुझे घर में ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खाना खाए कि नहीं, मुझे खाना बनाना है, ये वो भी जाने दो। बार बार ऐसे धम्म देशना नहीं होता, बार बार ये धम्म का माहौल नहीं बनता, इसलिए ये मौका मिला है ना, एकदम शांति से, स्थिर होके, एकाग्र मन से, श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनना चाहिए। तब जाके जो धम्म देशना देंगे वो अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और अच्छे से समझ गए ना तो उसे पालन भी कर पाएंगे, व्यवहार में अभ्यास भी कर पाएंगे। अगर धम्म देशना हो रहा है, आप लोग अपने ही काम में बिजी है, कोई मोबाइल में चल रहा है, कोई यहाँ बातें कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस एक कर्म कांड की तरह, ये बाबा साहब के जन्मदिवस पर ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना है, उसमें धम्म देशना करना है, करना है, संभला, बस उतने ही हो जाएगा। इसलिए ये धम्म देशना स्वयं तथागत बुद्ध भी कहते हैं मंगल है, और ये जो मंगल अभी भी बाद में भी सुख शांति होने वाला मंगल है, केवल क्षणिक एंटरटेनमेंट करने वाला, मनोरंजन करने वाला मंगल नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। एक समय श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में उपोषथागार में 500 भिक्षु लोग जमा होते हैं, और जमा होने के बाद हम 2-4 लोग जमा होते हैं तो अनेक अनेक बातें शुरू होता है। अभी 500 भिक्षु बोले तो कितने बातें शुरू होंगे, पर फर्क ये है आप लोग
कोई भी बातें कर सकते हैं, मगर भिक्षु लोग बातें करते हैं तो धम्म की बातें। तो उस समय भी 500 भिक्षु लोगों में अभी बातें शुरू हो गया। तो बातें क्या शुरू हो गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होगा, क्या होगा सबसे बड़ा सुख। तो कोई भिक्षु लोग कहने लगे, सबसे बड़ा सुख तो राजा होने में है। राजा हुआ तो सारा देश अपना, हाँ वो कुछ भी कर सकता है, कितना मौज मजा भोग विलास, सबसे बड़ा तो राजा है, इसलिए राजा होने में ही सुख है। और कोई भिक्षु कहने लगा, नहीं नहीं राजा होने में भी बहुत सारे परेशानियां है, वास्तव में सुख तो ये पंच काम भोग करना यही सुख है, मतलब आंखों से जो मर्जी वो देखते रहना वो मिला तो सुख, कानों से जो मर्जी वो सुनते रहना ये सुख, नाक से जो मर्जी सूंघते रहना वो सुख, मुंह से जो मर्जी खाते रहना वो सुख, और शरीर से जो मर्जी स्पर्श करना वो सुख, यही सुख है। तो कोई भिक्षु कहने लगा, ये नहीं ये सुख है, कोई कहने लगा वो नहीं वो सुख है। तो ऐसे समय में वहां महाकारुणिक तथागत बुद्ध आते हैं। सब लोग तथागत बुद्ध को वंदना करके बैठते हैं। उस समय तथागत बुद्ध भिक्षुओं से प्रश्न करते हैं कि हे भिक्षु, आप लोगों में क्या बातें चल रहे थे। तो भिक्षु लोग कहने लगे, हम तो सुख के विषय में बातें कर रहे कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है, तो हम में ऐसे ऐसे बातें हो रहे हैं करके भिक्षु लोगों ने बता दिया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जितने भी सुख की बातें कर रहे हैं ना, ये क्षणिक सुख की बातें हैं, पंच काम भोग युक्त राग द्वेष मोह से मुक्त नहीं है, इसलिए इसको वास्तविक सुख नहीं कहते। वास्तविक सुख तो ये है, कहते हुए तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा इस तरह कहते हैं, सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सदम्मदेशना सुखा संगस सामग्ये समग्गानं तपो सुखो। सुखो बुद्धानं उपादो, तथागत बुद्ध वास्तविक सुख के रूप में बताते हुए कहते हैं, संसार में बुद्धों का उत्पन्न होना सुख है। एक बुद्ध का उत्पन्न होना मतलब हजारों लाखों करोड़ों लोग धम्म सुन सकते हैं, धम्म साक्षात्कार कर सकते हैं, धम्म बोध करके दुख मुक्त हो सकते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनते सुनते भी बहुत सारे लोगों ने दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया, किसी ने श्रोतापत्ति फल प्राप्त किया, किसी ने सकितागामी फल प्राप्त किया, किसी ने अनागामी फल प्राप्त किया, और किसी ने तो दुख मुक्त अर्हत फल प्राप्त किया। ऐसा बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में बहुत बार आते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुन के बहुत सारे लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। अभी भी धम्म देशना होता है ना, बहुत जगह पे बहुत बार धम्म देशना होता है, पर अभी सुना है क्या कोई उपासक ने ज्ञान प्राप्त किया, श्रोतापत्ति सकितागामी अनागामी अर्हत फल प्राप्त किया, सुना है क्या? तो ये फर्क क्या है, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना इतना महान रहता है कि तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के मन में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है, एकदम श्रद्धा से ध्यान से वो धम्म देशना सुनता है और जल्दी वो धम्म को बोध करता है। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है। सुखा सद्धम्म देशना, सही धम्म सुनना ये भी सुखकर है। दुनिया में धम्म के नाम पे इतने सारे धम्म फैला हुआ है, इतने सारे धम्म फैला हुआ है। तथागत बुद्ध
त्रिपिटक के सुतपिटक के पहला ग्रंथ दीर्घ निकाय और इसमें भी पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र में कहते हैं, जिस तरह छोटे से एक तालाब है और तालाब में खूब सारा मछलियां पाल के रखा है और कुछ समय बाद वो इंसान ने एक जाल वहां पे फेंका और वो जाल जितने तालाब है उतने तालाब में पूरा बैठता है और उसमें छोटा छोटा ही छेद है कि मछली वहां से मुक्त नहीं हो सकता। अगर इस तरह से वो तालाब में जाल फेंकेंगे तो जितने मछलियां है उसमें फंसेगा कि नहीं? अवश्यंभावी फंसेगा। तथागत बुद्ध कहते इसी तरह ब्रह्म जाल रूपी, दृष्टि जाल रूपी ऐसे जाल जंजाल पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तम के नाम पे अधम फैला हुआ है। और पता है जो सही धम्म नहीं रहता ना, ऐसे धम्म में हम जितना मेहनत करेंगे जितना परिश्रम करेंगे उतना अकुशल हो जाता है, पाप हो जाता है। और सही धम्म मिला तो जितना हम मेहनत करेंगे जितना हम परिश्रम करेंगे उतना कुशल कर्म पुण्य हो जाता है। इसलिए दुनिया में सही धम्म मिलना ये भी बहुत सुखकर है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सुखा संगस सामग्री, संग का एकजुट होना ये भी सुखकर है। संग एकता, हम उपासक उपासिका लोग एकजुट हुआ तो ऐसे कार्यक्रम कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। बड़े बड़े तथागत बुद्ध के तम का सेंटर, बाबा साहब के जो क्रांति का सेंटर विहार तो कितना बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं। अगर एकजुट नहीं रहा तो ऐसे कार्यक्रम साल में तो क्या कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एकजुट होना जरूरी है, चाहे उपासकों का हो, उपासिकाओं का हो, भिक्षुओं का हो, भिक्षुणियों का हो, जितना एकजुट रहेंगे उतना ज्यादा बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए ये भी सुखकर है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं समग्रानं तपो सुखो, समग्र में सब मिलके तप करना या ध्यान साधना करना या तम का पालन करना ये भी बहुत ही सुखकर है। इसलिए दुनिया में ये सुखकर है कहते हुए तथागत बुद्ध ये धम्म देशना देते हैं। इसलिए बाकी सुख जितने भी रहता है ना, किसी के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं तो वो सोचता है मेरे पास एक झोपड़ी भी हुआ ना, अरे बाप रे कितना सुख मिलेगा। गर्म में गर्म नहीं होगा, ठंडी में ज्यादा ठंडी नहीं होगा, कम से कम मैं सुरक्षित रह पाऊंगा, एक झोपड़पट्टी मिल जाए। मिल भी गया ना, कहाँ सुख, थोड़ी देर के लिए। फिर वो सोचेगा इसमें तो फिर भी गर्म हो रहा है, बारिश में पानी टपक रहा है, कम से कम एक पक्का घर चाहिए। पक्की घर मिल गया तो सोचेगा पक्की घर से क्या, एक फ्लैट चाहिए, एक बंगलो चाहिए। वो भी मिल गया तो एक महल चाहिए, वो भी मिल गया दरबार चाहिए, वो भी मिल गया तो ऐसे तो कितने कितने चाहिए, ये डिजाइन का चाहिए, वो डिजाइन का चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ये मानवीय इच्छा आकांक्षा कभी परिपूर्ण नहीं होता। एक इच्छा परिपूर्ण हुआ वहां 10 और इच्छा उत्पन्न होता है, 100 और इच्छा उत्पन्न होता है। इसलिए तथागत बुद्ध दुख आर्य सत्य में अनेक दुख की व्याख्या करते करते ये भी कहते हैं यम पि इच्छं न लभते तम पि दुःखं, जो हम इच्छा करते वो पूरा नहीं होना ये भी दुख है। सारा इच्छा कहाँ पूरा होता है, चाहे सामान्य इंसान हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे दरिद्र गरीब हो, चाहे अनेक अनेक धनवान हो, सबका सभी इच्छा कभी पूरा नहीं होता। एक इच्छा पूरा हुआ अनेक अनेक और इच्छा आता है। इसलिए ये जितने भी भौतिक रूप से परिपूर्ण होना ये क्षणिक सुख देता है, स्थायी रूप से ये सुख नहीं देता। इसलिए तथागत बुद्ध वास्तविक सुख के रूप में ये कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध उच्च महान सुख कैसे मिलता है, सामान्य लोगों को भी
समझ में आए, अभ्यास कर पाए, उस तरह से उपदेश देते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरिषो कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। कैसे मिलता है? बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरिषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, कुशल कर्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, ये वाणी से अच्छा बोलना, ये मन से अच्छा सोचना, ये कुशल कर्म है। तो ऐसा पुण्य इंसानों को करना चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, तो एक बार खा लिया बस हो गया करके नहीं बैठते, आज खाया तो कल खाना पड़ेगा, सुबह खाया तो दोपहर शाम को खाना पड़ेगा। उसी तरह पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, तम्मी छंदन कई रात, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? हर व्यक्ति कोई न कोई काम करता है तो उसे कुछ न कुछ मिलता ही है। कोई काम करता है तो पैसा मिलता है, हाँ, वो ऑफिस करता है तो सैलरी मिलता है, बिजनेस करता है तो अनेक धन संपत्ति आर्जन करता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है तो कुछ न कुछ मिलता है। तो ये पुण्य करने से हमें क्या मिल सकता है? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलते हैं। जो पुण्य करता है उसको उच्च प्रकार के सुख मिलता है। तो तथागत बुद्ध ने जो भी जितना भी उपदेश दिए वो व्यवहारिक रूप से उपदेश दिया। ऐसा नहीं कि तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया कुछ समझा, बहुत सारे नहीं समझा, अरे तथागत बुद्ध तो इतना अच्छा इतना गंभीर उपदेश देते, वाह 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 करके साधु साधु बोलने वाला ये उपदेश नहीं है। बुद्ध वाणी हमें सुनना है, समझना है और अंदर से महसूस करके उसे पालन भी करना है। जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं आएगा। जैसे हम हर बौद्ध कार्यक्रम के प्रारंभ में पंचशील प्रार्थना करते हैं, पानाति पाता वेदमनि, प्राणी इंसान नहीं करना, अदिन्ना दाना वेदमनि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा वेदमनि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मूसा वादा वेदमनि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मज्जपमा दत्ताना वेदमनि, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये पांच सील हमेशा हमेशा पालन करना चाहिए, दैनिक रूप में पालन करना चाहिए। हर बौद्ध उपासक उपासिकाओं को पालन करना चाहिए। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, जो कोई व्यक्ति भी ये पांच सील अच्छे से पालन करेंगे उसके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। सुख शांति के लिए पूरा परिवार घर बार समाज छोड़ के भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। ये पांच सील अच्छे से पालन करे तो हो जाता है। तो अभी ये पांच सील केवल सुन के कंठस्थ करके खुद भी सुनेंगे दूसरों को भी सुनाएंगे, यही सिलसिला चलता रहा और पालन नहीं किया तो उसका कोई भी परिणाम नहीं आता। अभी हम हिंसा करते हैं कि नहीं, हिंसा करते हैं कि नहीं, किसी को मारते हैं कि नहीं? कहीं तो मैं प्रोग्राम में गया था, ऐसे ही शाम के समय में धम्म देशना हो रहा था, धम्म देशना हो रहा है, एक उपासक ऐसे ही जहां जहां मच्छर गया वहां वहां ऐसे 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 करके वो मार रहा था। धम्म देशना हो रहा है, बुद्धवाणी वहां हो रहा है।
तो केवल सुनना सुनाना बुद्धि विलासता करना इससे धम्म नहीं होगा, नहीं होगा धम्म, इससे कोई भी सुख शांति नहीं मिलेगा। जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक ये धम्म कोई फायदा नहीं। बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म की दीक्षा हमें दे के गया, हम केवल यहाँ बाबा साहब की जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विदेश हो, इतना ही कहते कहते एकदम डीजे बजा के डांस करते रहे, ये करते रहे वो करते रहे, जन्म दिवस मनाया, महापरिनिर्वाण दिवस करके महाप्रयाण दिन मनाया, ये मनाया वो मनाया, ऐसे ही करते रहे। और बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया वो धम्म हम जाने ही नहीं, वो धम्म हम समझे ही नहीं, वो धम्म हम पालन ही नहीं करे तो हो गया क्या? अगर हम सही रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस मनाना चाहते हैं और सही मायने में बाबा साहब के प्रति आदर अंजलि देना चाहते हैं तो बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया है वो धम्म को जानो, पहचानो और जितना हो सके उसको पालन करो। इसी में हमारा भी कल्याण है, हमारे अपनों लोगों का भी कल्याण है और बाबा साहब के प्रति भी सही मायने में आदरांजलि है। ये धम्म एक बार तथागत बुद्ध समझाते हैं ये धम्म कैसा है। कोई एक इंसान कहीं सुनसान मार्ग पे चल रहे है, रास्ते पे चल रहे है, ऐसे समय में कहीं एक जगह से किसी ने बाण छोड़ा और वो बाण आके उसके छाती में लग गया, घाव हो गया, खून बहने लगा, वो वहीं गिर पड़ा, तड़पने लगा। ऐसे समय में कोई भला इंसान उसको देखता है, अरे ये तो बाण से घायल हुआ है, तड़प रहा है, कहीं मर न जाए, चलो इसका बाण निकाल के मलम पट्टी लगा देते हैं करके उसके सामने जाके बाण निकालने लगे तो वो इंसान नहीं 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 ये बाण मत निकालो, ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण कहाँ से आया, बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाला लड़का है कि लड़की है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, वो कौन से गांव में रहता है, उसके माँ है कि नहीं, पिता है कि नहीं, उसके भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, ऐसे दुनिया भर के प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले वो बाण निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर उस समय वो बाण निकाले बिना वो प्रश्न करता रहा तो उसका ज्ञान जल्दी चला जाएगा पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसी तरह ये जीवन में भी न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरह भाग रहे, न चाहते हुए भी हम ये बीमार की तरफ भाग रहे, मृत्यु की तरफ भाग रहे, ऐसे ये जीवन में अगर हम दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे नहीं जाएंगे, केवल बुद्धि विलासिता ही करते रहेंगे, मला ये पन ये ते पन ये ते, केवल मुझे ये आता है वो आता है कहते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं, परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेद, ये तीन लेवल में तीन तह में उपदेश देते हैं। परियति सबसे पहले ज्ञान, धम्म जानो, आप पढ़ो सुनो देखो कैसा भी करो धम्म जानो। फिर दूसरे में प्रतिपत्ति, धम्म जाना है ना तो उसे समझो और जो समझ में आए उसे पालन करो, ये प्रतिपत्ति पालन करना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। फिर तीसरे में आता है प्रतिवेद धम्म, अगर अच्छे धम्म को समझेंगे अच्छे धम्म को अभ्यास करेंगे तो अच्छे परिणाम भी आएगा, आना ही है, जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त होगा, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरत फल प्राप्त होगा, होना ही है। इसलिए धम्म को पहला जानना है,
नहीं, मुझे तो ये जानना है, वो जानना है, अभी तो इतना ही जानना है और बहुत सारा जानना है करके, केवल जानना है कहते हुए धर्मों को पालन ना करके नहीं बैठना। तथागत बुद्ध क्लियरली बताते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो नतकरो होति नरोपमतो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के समझ के अगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले ग्वाला, वो मालिक के गाय भैंस पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में, कहाँ कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, पर जब दूध पीने की बारी आता है ना, वो मालिक पी जाता है, उसको नहीं मिलता। वैसे ही तम खूब जाना सीखा, विद्वान बना और लोगों को भी अच्छे से बताते फिरा, पर पालन नहीं करेंगे तो ये गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपम पिचे सहितं भासमानो तम्मस्य होति अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों ना हो, तम को जानो, समझो और पालन करो, ऐसे व्यक्ति को ही धर्मचारी कहते हैं। धर्मचारी, धम्म को पालन करने वाले, ऐसे व्यक्ति को ही धम्म का अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए ज्यादा समझना, ज्यादा जानना ये मायने नहीं रखता। वो व्यवहार में पालन कर रहे क्या, वो व्यवहार में अभ्यास कर रहे क्या, ये मायने रखता है। इसलिए तम हम जितना जानेंगे उसे अच्छे से समझो, महसूस करो, न केवल महसूस करके बैठना, उसे पालन भी करो, पालन भी करते जाओ, इसी में हमारी कल्याण है। महाकारु ने तथागत बुद्ध के पास एक बार शुभ मानव कहते हैं। उस शुभ मानव का छोटा सा कहानी किस तरह से है। ये शुभ मानव श्रावस्ती में रहने वाले और उसके पिताजी तोदेय ब्राह्मण। वो ब्राह्मण उन समय में करोड़ों धन संपत्ति के मालक, पर कभी किसी को दान नहीं देते, मदद नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उल्टा लोगों को सिखाते फिरते, देखो ये पैसे का स्वभाव है नाश होना, इसलिए ये पैसे को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए, धन संग्रह करना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। जैसे मटके में छोटा सा भी छेद हुआ ना, सारा पानी खत्म हो जाता है, इसलिए दान देने की आदत से सारा धन खत्म हो जाता है, दान नहीं देना चाहिए, ऐसा ही उपदेश देता था। नजदीक तथागत बुद्ध है, जैतून बुद्ध विहार है, न बिहार जाते हैं, न दान देते हैं, कभी अपने घर के तरफ बुद्ध या कोई भिक्षु भिक्षा भी आए तो कभी दान नहीं देते। इतने धन संपत्ति के मालक जब गुजर गए, वो धन संपत्ति के लालच में आसक्त होके वही घर में एक कुत्ता होके जन्म लिया। छोटे से वो उसके बेटे शुभ मानव उसको साथ में रख के बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, अपने सोने की जगह पे सुलाना, अच्छे से रखना, खान पीन देना अच्छे से रख रहे थे। एक समय तथागत बुद्ध भिक्षाटन आते आते शुभ मानव के घर की तरफ आते हैं। बुद्ध को देखते ही वो कुत्ता बाहर आके तथागत बुद्ध के ऊपर बहुत भौंकने लगता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हे तोदय ब्राह्मण, पहले पहले भी मुझे नहीं सहता, अभी भी इतना भौंक के बैठे हो, इतना क्या कहना था कि तथागत बुद्ध ने मुझे पहचान लिया जैसा लग के वो घर के अंदर जाके जो गंदगी है, राख है, ऐसे में एकदम लुटपुट करके वहीं बैठा रहा। जब घर में शुभ मानव का आया, आते ही अरे अपना प्यारा सा कुत्ता कहाँ है,
तो नौकर चाकर लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे गंदगी में लुटपुट होके बैठे हैं, न खाना खाया न कुछ भी किया। तो क्या हुआ, क्यों ऐसे, कभी तो ऐसा करता नहीं था। तो किसी ने बोला कि बुद्ध ऐसे ऐसे आए थे, वो ऐसे पहुंचने लगे तो आपके पिताजी के नाम लेके ऐसे ऐसे बोला। अच्छा, बुद्ध ने ऐसा कहा? अरे मेरे पिताजी इतने धन संपत्ति के मालक कहां ब्रह्मलोक में गए होंगे, और बुद्ध एक कुत्ते को मेरे पिताजी का नाम लेके ऐसे कहते, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये गलत बात है। चलो बुद्ध से पूछते करके बुद्ध के पास जाके, आपने ऐसे ऐसे समय में ऐसे ऐसे बोला था क्या? हाँ बोला था। आपने कैसे मेरे पिताजी के नाम लेके कुत्ते को ऐसे बोला, मेरे पिताजी इतने धन संपत्ति के मालक कहाँ ब्रह्मलोक गए होंगे? तब बुद्ध कहते हैं, हे उपासक, तुम्हारे पिताजी ने कितना धन संपत्ति जमीन में गाड़ के रखा कभी तुम्हें बताया है क्या? नहीं, नहीं बताया। तो ठीक है, जाओ वो कुत्ते को अच्छे से नहलाओ, अच्छे से साफ करो, उसके मनपसंद खाना खिलाओ और प्यार से पूछो, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखा है दिखाओ, फिर देखना। फिर शुभ मानव को भी लगा, ठीक है करके देखता हूँ, अगर धन संपत्ति दिखाया तो करो दो करो धन संपत्ति मिल गया, अगर नहीं हुआ तो तथागत बुद्ध की बदनामी करना मैं जानता हूँ। ऐसा कहते हुए घर में आया, उसको अच्छे से नहलाया धुलाया, अच्छे से उसका मनपसंद खाना खिलाया, फिर प्यार से थपथपाते हुए पूछते हैं, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखा? पहले तो इतने बड़े आंखें करके एकदम देखते हैं, फिर बाद में एक जगह जाके जमीन को खोदने लगता है, वहाँ खोद के देखा तो वहाँ धन संपत्ति से एकदम भरा हुआ अनेक अनेक धन संपत्ति मिला। तो ये देख के फिर बाद में शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं, इस दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? अभी दिखने में तो इंसान एक समान ही दिखता है ना, उसका सर वैसा ही है, चेहरा वैसा ही है, हाथ पैर वैसा ही है, शरीर वैसा ही है, इंसान जाति सब वैसा ही है, चाहे महिला हो पुरुष हो सबके सब वैसा ही है। पर शुभ मानव पूछता है, इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत ही धनवान है और कोई दरिद्र गरीब है, कोई बहुत ही दीर्घायु है लंबे समय तक जीते और कोई अल्पायु जल्दी मर जाते हैं, कोई एकदम विद्वान पंडित है और कोई अज्ञानी मूर्ख है, कोई एकदम उच्च कुल में जन्म होता है, जन्म होते ही हजारों लाखों लोगों का सलामी मिलता है, और कोई ऐसे कुल में जन्म होता है कि जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, कोई एकदम बलवान है और कोई एकदम निर्बल कमजोर है, कोई एकदम निरोग है और कोई एकदम बीमारी बीमार। इंसान इंसानों के एक समान क्यों नहीं है? उस समय तथागत बुद्ध शुभ मानव को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं तथागत बुद्ध? सब्बे सत्ता कम्म सका कम्मदाया कम्मयोनि कम्म बंदो कम्मपति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका, तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो भी हो रहा है जैसे जैसा भी हो रहा है सबका कारण कम्म है। कम्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं उसे काम कम्म कहते हैं।
जो हम शरीर से अच्छा करते हैं, वाणी से अच्छा बोलते, मन से अच्छा सोचते, उसे अच्छे कर्म कहते हैं, कुशल कर्म कहते हैं। जो हम शरीर से बुरा, वाणी से बुरा, मन से बुरा सोचते हैं, उसे बुरे कर्म, अकुशल कर्म कहते हैं। उपासकाएं हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। 3 बार बोलिए, साधु साधु साधु। जब कभी भी हम धम्म का काम कर रहे हो और वहां इसी तरह का कोई भी बाधा आए, कोई भी अड़चन आए, तो समझ लेना हम राइट ट्रैक पे है। बुद्ध के धम्म में बहुत मार आता है। अगर मार ना आता ना, ऐसे बाधा नहीं आता ना, बुद्ध बुद्ध ही नहीं बनते। इसलिए जब भी ऐसे बाधा आए ना, मुस्कुराते हुए अच्छा हम तो सही मार्ग पे है ये समझ लेने का, ठीक है ना। चलो फिर से ध्यान को एकाग्र करने के लिए 3 बार मोटा आवाज में साधु साधु मना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में जो कोई इंसान कुशल कर्म करता है तो उसके जीवन में अच्छा ही होता है, अगर कोई अकुशल कर्म करता है तो उसके जीवन में बुराई ही होता है। इसलिए इंसान इंसान हो के एक समान ना होने का कारण क्या है, यही अपना अपना कर्म है। जिंदगी में जिसने मेहनत किया उसके पास पैसा भी आ गया, इज्जत भी आ गया, सम्मान भी आ गया, अनेक अनेक आ गया। जो मैत्री करुणा रखते हैं, अच्छे से अच्छे धम्म का अभ्यास करते हैं, वो दीर्घायु होते हैं, वो बीमार मुक्त होते हैं, वो विद्वान पंडित होते हैं। और जो अकुशल पे अकुशल, गलत पे गलत, पाप पे पाप करते हैं, वो अल्पायु भी होता है, वो बीमार भी होता है, वो अनेक अनेक जीवन में दुख कष्ट भुगतते हैं। इसलिए सबे सत्ता कम्म सका, यहाँ इंसान इंसान हो के एक समान न होने का कारण अपना अपना कम्म है। कम्म दायादा, जैसे माता पिता के धन में अपने बच्चों का हक लगता है ना, अंशियार होता है, वैसे ही अपने कम्म का अंशियार हम खुद है। जो जैसा कम्म करता है उसका भागीदार वही होता है, उसको ही भुगतना रहता है। कम्म योनि, कम्म की वजह से उसका जन्म होता है। जो अच्छे जगह पे जन्म होता है उसका कम्म, जो बुरे जगह पे जन्म होता है वो उसका कम्म। कम्म बंधु, कर्म ही हमारा सही बंधु है। देखिए अपना कम्म चरित्र अच्छा रहा ना, दुनिया के कोई भी कोने कब्जे में उसका जन्म हुआ हो फिर भी वो अपना सा लगता है। और कर्म अच्छा नहीं रहा, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह। इसलिए कम्म ही हमारा बंधु है। कम्म पति शरणा, कम्म ही हमारा शरण है। अगर हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाते करके केवल बातें ही करते रहेंगे, प्रार्थना ही करते रहेंगे, अगर कम्म के हिसाब से पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए कम्म ही हमारा शरण है। बुद्ध कहते हैं, यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा। जो जैसा कम्म करता है, चाहे अच्छा कम्म करो चाहे बुरा कम्म करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है। कोई अच्छा करता है तो अच्छा ही परिणाम आता है, कोई बुरा करता है तो बुरा ही परिणाम आता है। इसलिए यहाँ कोई अल्पायु होता है तो वो भी उसका कम्म है, कोई दीर्घायु होता है तो वो भी उसका कम्म। जो दूसरों का हिंसा करता है, दुख देता है, शोषण करता है, वो अल्पायु होता है।
जो दूसरों के प्रति मैत्री करुणा रखता है वो दीर्घायु होता है, जो लोभ लालच रखता है वो दरिद्र गरीब होता है, जो दान करता है त्याग करता है वो धनी रहता है, जो सीखने का अभ्यास करता है वो पंडित विद्वान रहेगा, जो आलस करता है वो मूर्ख अज्ञानी रहेगा। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है इसका प्रमुख कारण ये कर्म ही है ऐसा कहते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारा मालक नहीं है। अभी यहाँ धम्म देशना हो रहा है, अत मला सांगा ये धम्म देशना जो हो रहा है ये पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? पुण्य हो रहा है। पुण्य किस माने में? अगर हम ध्यान से श्रद्धा चित्त से अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे सही मायने में ये पुण्य है, नहीं मन बेचैनी करके बैठेंगे, मन में राग उत्पन्न हो रहा है, मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मन में मोह उत्पन्न हो रहा है, हाँ एकदम खुद भी एकदम बेचैनी होके खुद भी तन 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 हो रहा है और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या पुण्य हो गया क्या? तो क्या कुशल कर्म हो गया क्या? सांगा ना हो गया क्या? नहीं ना। इसलिए ये भीम फेस्टिवल के आयोजकों ने कि धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म है, तथागत बुद्ध के वाणी सुनना बहुत बड़ा पवित्र पुण्य है करके ये आयोजन किया, आप लोगों को धम्म का माहौल बना के दिया, मगर अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद का मालक तो खुद ही है ना, कोई हमारा मालक कहाँ है? पुण्य करना है आप लोगों के हाथ में है, पाप करना है आप लोगों के हाथ में है। यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया, अब दूसरों के निंदा चर्चा आप सोचने लगा, या दूसरे ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, थम मैं भी उसको ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, बदला लेने का प्लान बनाता रहा। दिखने में तो धम्म देशना सुन रहे सामने बैठे, मगर आपके मन में दूसरा ही खेल चल रहा है, दूसरा ही प्लान चल रहा है, तो ये पुण्य हो गया क्या? धम्म हो गया क्या? नहीं ना। इसलिए पुण्य करना है हमें ही करना है, पाप भी हमसे ही होता है। अगर हम धन संपत्ति कमा के रखेंगे तो कोई भी लूट के ले सकता है, कोई भी छीन के ले सकता है, या अपने बच्चे लोग भी उसको छीन के ले सकता है, मगर पुण्य करेंगे धम्म करेंगे तो कोई भी छीन के नहीं ले सकता, चाके भी नहीं ले सकता। और अगर आपने पाप किया अकुशल किया तो उसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, नहीं मैं तो बनते हूँ या मैं तो अमुक अमुक का अध्यक्ष हूँ, मेरे इतने सारे सदस्य हैं, इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, मैंने इतना पाप किया तो क्या हुआ, मैं सबको थोड़ा थोड़ा बांट के दूंगा करके ऐसे बांट के दे सकते हैं क्या? अगर ऐसा दे सकते हैं तो जस्ट इमेजिन कोई पैसे वाला कभी दुर्गति जाता क्या? कितना भी पाप करो सबको थोड़ा थोड़ा पैसा देके तुम थोड़ा पाप रखो, तुम थोड़ा पाप रखो, पैसा दे दे के पाप बांट देता, या जो पैसे वाला है ना जीवन भर खाओ पियो मौज करो वो खूब मौज मस्ती करेगा पाप करेगा, मगर अपना पाप लेने के लिए कम से कम 100 इंसान रखा और सबको एक एक परसेंटेज पाप बांट दिया और सबको एक एक लाख रुपए दिया, तो 1 करोड़ में सारा पाप नील हो जाता है, तो कोई पैसे वाले को भी दुर्गति जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे पाप बांट सकता है क्या? बांट सकता है? नहीं। कोई पाप करता है तो उसका फल बहुत नहीं पड़ता है, और तथागत बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति पाप करे और वो पाप से भयभीत होके अब मैं क्या करूं करके वो चाहे आकाश में छुपो पाप से नहीं बच सकता, वो चाहे जमीन में कंदराओं में गुफाओं में जंगलों में छुप के बैठो
पाप से नहीं बच सकता, चाहे वो पानी के नीचे छुप के बैठ हो, पाप से नहीं बच सकता। कोई पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में पाली गाथा द्वारा इस तरह कहते हैं, नंत लिखे न समुद्धमज्जे न पब्बतानं विवरं पविसा न विज्जति सो जगति पदेशो यतथियो मुञ्चय्य पापकम्मा। न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्ब तानं विवरं पविष। अगर कोई व्यक्ति कोई इंसान पाप करता हो और पाप से भयभीत होके वो चाहे समुद्र में छुपे रहो, पानी के नीचे छुपे रहो, चाहे जमीन में छुपे रहो, चाहे आकाश में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं। पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं। इसलिए जो होशियार है, जो विद्वान पंडित है, जो अच्छे उपासक उपासिकाएं है, वो व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, या ऐसे कोई काम ही नहीं करना चाहिए जो भविष्य में आंखों से आंसू गिरा के पछताना पड़े, अरे ये मैंने क्या कर दिया करके पछतावा हो। ऐसे काम करना चाहिए जो काम कभी भी याद आए, अरे उस समय हमने ऐसे धम्म देशना का आयोजन किया था, ऐसे दान पुण्य किया था, ऐसे शील पालन किया था, ऐसे ध्यान भावना किया था, अरे वाह करके जब भी याद आए तो मन में प्रसन्नता हो, ऐसे काम करना चाहिए। पाप कभी नहीं करना, पाप किया तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। छोटे से छोटे पाप भी क्यों ना हो, उसका भी गलत परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो छोटा सा पाप है, ये पाप करने से हमारा क्या जाएगा, चलो करते हैं। बूंद बूंद मिलके कड़ा भर जाता है, छोटे छोटे पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। उसी तरह पुण्य भी, ये छोटे से पुण्य करके मैं क्या करूंगा, आने दो समय मैं भी जिंदगी में बहुत बड़ा पुण्य करूंगा, पर अभी नहीं, अभी छोटे छोटे पुण्य नहीं करना, ऐसा भी नहीं बोलना। जब भी मौका मिले, जब भी माहौल बने, चाहे दान देके हो, शील पालन करके हो, ध्यान भावना करके हो, हाँ सम्मान सत्कार करके हो, धम्म देशना सुन के हो, धम्म चर्चा करके हो, कैसे भी हो, पुण्य करते जाना है, करते जाना है। क्यों? थोड़े थोड़े पुण्य मिलके भी बहुत बड़ा धम्म सुख का कारण बन सकता है, दुख मुक्ति का कारण बन सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा पुण्य करना, पाप नहीं करना। सब पाप सकरणं, जितने भी गलत अकुशल पाप है वो मत करो। कुशल असुभ संपदा, अच्छे कुशल कर्म करो। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शिक्षा है, बुद्धों का शासन है, बुद्धों का उपदेश है। एक बुद्ध का नहीं, बुद्धों का, जितने भी पहले बुद्ध बन के गया है, जो भी अभी बुद्ध है, जो भी भविष्य में बुद्ध होने वाले, सारे बुद्धों का उपदेश यही है, पाप न करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। इसलिए ये हमेशा याद रखना उपासक उपासिकाएं, जीवन में जो भी गलत करता है ना, अकुशल करता है ना, दिखने में लगता है अरे वो पाप करता है तो क्या हुआ, उसके पास खूब पैसा आ गया, खूब धन आ गया, गाड़ी बंगला आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, पर यकीन मानिए जो गलत काम करके ऐसे पैसा कमाता है ना, वो बाह्य रूप से दिखावे में ही वो सुखी है,
बाकी अंदर ही अंदर वो कितना जल रहा होगा, कितना पछतावा कर रहा होगा, कितना बेचैनी कर रहा होगा, और सोने के लिए न जाने कितने कितने नींद की गोली ले रहा होगा, ये उसको ही पता है। गलत काम करके कोई सुखी हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रकृति के खिलाफ है। आग को छुएंगे जलना ही है, क्योंकि आग का स्वभाव जलाना है। पानी को स्पर्श करेंगे तो शीतल होगा, ये पानी का स्वभाव है। पानी को छूते हैं तो जलता है, या आग को छूते हैं तो शीतलता महसूस होता है, ये प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए कोई गलत करता है तो उसका पाप का परिणाम आता ही है, कोई अच्छा करता है तो उसको सुख शांति आनंद मिलता ही है, शारीरिक मानसिक प्रीति अनुभव होता है। इसलिए हमेशा पुण्य करो पाप न करो। हम आजू बाजू के लोगों को देखो, हाँ चाहे जो भी माहौल में हम रहते लोगों को देखो, जिस जिसने भी अच्छा किया, चाहे धीरे ही क्यों ना हो, उसका मान सम्मान सरकार बढ़ने लगा, उसका प्रशस्ति बढ़ने लगा, प्रशंसा बढ़ने लगा। और जो भी गलत करते हैं, भले ही थोड़ी समय के लिए उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग होंगे, मगर जैसे जैसे पता चला कि ये इंसान गलत करता है, लोगों को भ्रम में रखता है, धीरे धीरे वो अकेला पड़ जाएगा और इतना दुखी बेचैनी होगा। इसलिए अच्छा करना चाहिए। और एक बात अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखो, हमेशा बिठा के रखो, छोटे से छोटे पाप ही क्यों ना हो, अगर पाप करता है तो उसका अकुशल बनता ही है। अगर अकुशल बनता है तो उसका गलत परिणाम या उसका दुष्परिणाम आता ही है। जीवन में दुख अशांति पीड़ा आता ही है, इसलिए पाप करना नहीं। वैसे सबको पता रहता है पाप कराइचे नहीं हो, सर्वाना माइते है बरका है कि नहीं, सबको पता है, पर करके दिखाना है, करना जरूरी है, पाप से दूर होना जरूरी है। अभी धम्म देशना के अंत में एक छोटा सा कहानी तो बड़ा लंबा है, पर सारांश में एक पाप करेंगे तो कैसे भी नहीं बच सकता, उसके विषय में बुद्ध कालीन एक उदाहरण देते हैं। एक समय एक भिक्षु समूह वर्षावास रहने के लिए 500 भिक्षु लोग गांव में जाता है, और गांव के लोग भोजन तैयार करने के लिए वो आग जलाते हैं, तो वो आग ऊपर उठ के जो आकाश में उड़ रहे कौवे को लगता है, वही गिरता है, तरफ तरफ के मरता है। अरे आकाश में उड़ने वाला पंछी और वो जमीन के आग ऊपर जाके मर रहा है, इसका क्या कारण है, चलो बुद्ध से पूछते। एक समूह भिक्षु लोग वहां वर्षावास समापन करके बुद्ध को मिलने के लिए आ रहे थे। बहुत बड़ा नदी समुद्र पार करने के लिए पानी जहाज से आ रहा था, बीच में पहुंचते पहुंचते वो रुक गया, कुछ भी वहां प्रॉब्लम नहीं है फिर भी रुक गया, तो लगा यहाँ कोई पापी होगा, तो ऐसे पापी कौन है, वो देखते देखते वो चिन्ह लगा के देखा तो कैप्टन के बीवी। तो इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार वो गोला लगाया तो उसी को पापी करके आ गया, तो फिर उसको पानी से फेंक दिया, वो डूब के मर गया। और उसको फेंकते ही पानी जहाज ऑटोमेटिक चलने लगा, तो भिक्षु लोग इसका क्या कारण होगा, बुद्ध से पूछते हैं। फिर तीसरा, एक समूह भिक्षु लोग बुद्ध को मिलने के लिए गांव से आ रहे थे, एक गांव में पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, तो वो लोग गांव में रुकने के लिए एक गुफा था जहां रहने की व्यवस्था था, तो वहां गए। तो वहां जैसे गुफा में गया, कहां कहां से एक पत्थर आया, गुफा का द्वार ही बंद हो गया, और द्वार इस तरह बंद हो गया, न अंदर से खोल पा रहे न बाहर से, 7 दिन 7 रात तक वहीं बंद रहा, और 8वें दिन में
अपने आप वो हट गया, तो वो लोग मरने मरने जैसे हालत में बाहर आ गया। ठीक होने के बाद इसका क्या कारण होगा, बुद्ध से पूछने के लिए गए। तो ये तीनों समूह, जो आकाश में हुआ घटना, जमीन में हुआ घटना, समुद्र में हुआ घटना, तो वो लोग बुद्ध से आके पूछते हैं। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपना अपना कर्म है। तो आकाश में उड़े पंछी क्यों मरा, कि एक समय जब वो इंसान था, किसान था, उसके पास बैल था, वो बैल को जोतते थे, मगर वो बैल हमेशा आलस करता था, एक बार बैठ गया तो उठता ही नहीं। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हुआ, तो उसको इतना गुस्सा आया कि नजदीक के वो जो गेहूं का ऐसा वो जो रहता है ना, वो आग जलाने के लिए, वो सब उसके ऊपर डाल के उसको जला दिया, जिंदा जला के मार दिया। तो इसी पाप की वजह से वो आकाश में उड़ रहे थे, फिर भी जमीन का आग आके जल के मरना पड़ा। तो फिर वो समुद्र में इतने लोगों के भी वो जवान महिला पापी होके क्यों गिर के मरना पड़ा। तो एक समय जब वो इंसान था, किसान की बीवी थी, हमेशा उसके पीछे पीछे एक कुत्ता आता था, तो सब लोग मजाक कर उड़ाते थे, तो उसको बहुत ही बुरा लगता था, हमेशा आता है। तो एक समय ऐसे ही आ रहा था, तो तालाब के नजदीक एक बर्तन में बालू रख के उसमें बांध के उसको वहीं गिरा के मार दिया। तो ऐसे चेतना से उसको मारेंगे करके मारा, तो उसका पाप इतना हुआ, बहुत पाप भुगतने के बाद अब भी इंसान होके जन्म हुआ, तब भी इतने सारे लोगों के बीच पापी होके मरना पड़ा। और गुफाओं में क्यों ऐसे भिक्षु लोग 7 दिन 7 रात तक तो ऐसे बंद रहना पड़ा। तो जब एक समय वो लोग गाय भैंस चराने वाले ग्वाले थे, तो ऐसे एक प्राणी उसके पीछे 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 पकड़ने के लिए जाते, एक गुफा जैसे जगह पे जाते, अब अंधेरा हो रहा है, गाय भैंस लेके जाना है, चलो अगले दिन पकड़ेंगे करके, जितने भी उसका वो निकलने का रास्ता था सब में पत्थर रख के बंद करते हैं। वो लोग जाते हैं, अबे हमेशा एक ही जगह तो गाय भैंस नहीं चराते, 7वें दिन में वही रास्ते से जा रहा था, तो याद आया हमने एक प्राणी को यहाँ बंद किया था, निकाला तो वो तो मरने मरने जैसा बाहर आया। मारा नहीं, मारते तो कितना पाप होता, मारा नहीं। तो इस पाप की वजह से भिक्षु होने के बाद भी 7 दिन 7 रात तक ऐसे बंद रहना पड़ा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मच्चे न पपदानं विवरं पविष। अगर कोई पाप करता है और उस पाप से भयभीत होके बचने के लिए वो चाहे आकाश में छुपे रहो, जमीन में छुपे रहो या पानी में छुपे रहो, पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं। याद रखना, हम भी पाप करेंगे तो हमें भी इसी तरह का परिणाम आएगा, हमें भी निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। अगर हम ऐसा पाप भुगतना नहीं चाहते तो अभी से पाप से दूर रहना है, कुशल पुण्य करते रहना है। तो उसी के लिए हमें बार 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 धम्मदेशना सुनते रहना है। इसलिए हम भी अपने जीवन में खूब सारा धम्म देशना सुन सके, बुद्ध वाणी समझ सके, और जितना बुद्ध वाणी हम समझेंगे उसको धीरे धीरे पालन भी कर पाए, पालन भी कर सके, और इस जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, और अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके। फिर एक बार ये भीम फेस्टिवल के आयोजक संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और इसमें साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, इस कार्यक्रम में सहभागी होने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, अपने बंधु बांधव परिवार और सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे।
जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म कर सके ऐसी कामना करते हुए ये धर्म देशना यही संपन्न करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सप्प मंगलं। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।